भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उनके राज्य में शराबबंदी लागू करने के लिए सराहना की है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती लंबे समय से भाजपा शासित मध्य प्रदेश में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करती आ रही हैं। उन्होंने शुक्रवार को अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा, नीतीश कुमार ने कम से कम अपने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का साहस तो दिखाया है। ये पूछे जाने पर कि क्या नीतीश कुमार मोदी के विकल्प के तौर पर उभरेंगे, उमा भारती ने कहा, वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मोदी एक अद्वितीय व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं। उमा भारती ने कहा, इसके अलावा वह भगवान की रचना है और लोग उनके साथ हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार के प्रयासों से विपक्ष मजबूत होगा, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। आपको बताते चलें कि नीतीश ने हाल ही में भाजपा से नाता तोड़ लिया था और अब वे विपक्षी दलों की एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं। उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रदेश में शराब की बिक्री में कमी करने की इच्छा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास बैठकर महिलाएं इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाएंगी। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए अपने करीबी सहयोगी प्रीतम सिंह लोधी की आलोचना की। उमा ने कहा कि इस गैर जरूरी टिप्पणी के लिए उन्होंने लोधी को डांटा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा से माफी मांगने के लिए कहा। हालांकि भाजपा ने इस मामले में लोधी के माफी मांगने के बाद भी उन्हें पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश सरकार की पोषण योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उमा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान पहले ही बयान दे चुके हैं और अब वे इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।